एशिया, यहाँ एक गांव है जो बिल्कुल क्लीन है। यहाँ के यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे भी बने हुए हैं, अगर आप यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ में रहना चाहते हैं और यहाँ का कल्चर को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कवि रुधान। अपनी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और खूबसूरत कड़ी को आज जोड़ने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस खूबसूरत कड़ी का नाम है मैलिंगलोंग गांव, जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। यही वह फेमस स्पॉट है जिसके बारे में सुनकर हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टूर प्लान किया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आकर अगर आपने इस विलेज को करीब से नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं देखा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं घर बैठे इस खूबसूरत गांव को। एशिया, यहाँ एक गांव है जो बिल्कुल क्लीन है। यहाँ के जो सिटीजन्स है वो भी इतने अवेयर है कि इस विलेज को बहुत क्लीन रखते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले सफाई करेंगे, फिर अपने आगे के वर्क करेंगे। तो देखते हैं कितना क्लीन है। आज हम जिस गांव में हैं वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। 2003 में इसे डिस्कवर इंडिया मैगजीन द्वारा क्लीनेस्ट विलेज के रूप में डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद से यह टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा प्लेस बन गया है और यह गांव भारत का गर्व बन गया है। भारत देश के दूसरे गांव के लिए यह एक क्लीनेस्ट विलेज मॉडल है। यहाँ खासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1000 के आसपास होगी और यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जिम्मेदारी है कि इस गांव में कहीं कोई कचरा या गंदगी सड़क पर ना दिखे। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय के साथ ही सभी लोग सफाई में लग जाते हैं, जो कि इनका डेली रूटीन बन गया है। यहाँ स्कूल भी है और यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। क्यों है क्लीन? Because of awareness of citizens. और yes, fine है यहाँ। अगर गलती से भी कोई कचरा डाल दिया तो यहाँ fine है। कितना charges है? 3000. 3000. गाइस, मुझे तो लग रहा है कि यह विलेज क्लीन होने के साथ ही सबसे ब्यूटीफुल भी है। चारों तरफ खूबसूरत ग्रीनरी है और खूबसूरत सुंदर सुंदर बगीचे हैं। यहाँ हर कोने में बंबू के डस्टबिन दिख रहे हैं, जो कि क्लीन विलेज होने का सबूत देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे भी बने हुए हैं, अगर आप यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ में रहना चाहते हैं और यहाँ का कल्चर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हैं। इस स्वच्छ गांव के बारे में जब भी किसी व्यक्ति को पता चलता है तो उसके दिमाग में यह विचार जरूर आता होगा कि आखिर क्यों यह गांव इतना साफ सुथरा है। तो चलिए जानते हैं इस गांव के स्वच्छता अभियान के पीछे छुपे इतिहास के बारे में।
बताया जाता है कि 1988 के आसपास इस गांव में एक महामारी फैलती है, जिस वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए यहां के एक अध्यापक रिशोद थोंग थोरम ने यहां के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया तथा एक समिति का गठन किया। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए यह गाँव पूरा स्वच्छता अभियान की ओर अग्रसर हुआ, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। धन्य है वह शिक्षक जिसने स्वच्छता की ऐसी जोत जलाई। क्या नाम है सिटी का? शिलांग। नॉट शिलांग, मेलनॉन्ग। इस गांव को गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है, मींस भगवान का बगीचा। हमने कोशिश तो बहुत की कि कहीं कोई कचरा या गंदगी दिख जाए, पर नाकामयाब हुए। और इस नाकामयाबी के साथ हमारा दिल खुश हो गया और इस गांव ने और यहां के लोगों ने सच में दिल जीत लिया। इस गांव ने साबित कर दिया कि अगर हर इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाए और ठान ले कि हमारा घर, गांव, देश स्वच्छ होना चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। जय हिंद।